देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार एवं डीआईजी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूरी ने आज ऋषिकेश में चार धाम यात्रा के विभिन्न व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बस स्टैंड पर वाटर कूलर बढ़ाए जाने के साथ मोबाइल टॉयलेट लगाने के निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम ऋषिकेश के अधिकारियों को बस स्टैंड पर साफ सफाई व्यवस्था और कार्मिक बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। इससे पूर्व जिलाधिकारी ने नटराज चौक पर यात्रियों के ठहरने हेतु बनाए गए यात्री विश्राम गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने यात्रियों को पेयजल भी वितरित किया। जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने कहा कि कुछ जगहों पर और अधिक वाटर कूलर लग रहे हैं। इसके साथ ही चार धाम यात्रा यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही ऋषिकेश क्षेत्र में अधिक से अधिक मोबाइल टॉयलेट बना लाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। तो वहीं चार धाम यात्रा से लौटे यात्रियों का कहना है कि चार धाम यात्रा में प्रशासन पूरी तरीके से मदद कर रहा है और यात्रा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। राम सुमेर, मैं यूपी के रहने वाला हूँ, जिला महाराजगंज के रहने वाला, तहसील परिंदा पड़ता है, ग्राम मनिकौरा। उसके बाद हम लोग गंगोत्री गए, बहुत बढ़िया यात्रा हुआ। यमुनोत्री गए, यात्रा बढ़िया हुआ। उसके बाद में फिर हम जो है केदारनाथ गए, यात्रा हमारा बढ़िया हुआ। बद्रीनाथ भी गए, यात्रा बढ़िया हुआ, मंगलमय हुआ। उसके बाद में हम लोग यहाँ प्रस्थान पंजाब धर्मशाला में प्रस्थान है, खुशहाल हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन की व्यवस्था भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, प्रशासन का व्यवस्था बहुत ओके था। टोकन सिस्टम करने से हम लोग खुद ही जाके पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे रुकवाए हैं उन लोगों को दे रहे हैं, तो जो रश वाली स्थिति है वो नहीं है। भले हम एक ही जगह पे कर रहे हैं, लेकिन एक जगह पे हमने मल्टीपल काउंटर्स हमने लगाए हुए हैं, तो मल्टीपल काउंटर लगने की वजह से एक तो आपका रश वाला है नहीं, और क्योंकि हम लोग खुद ही जाके टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर ISBT पे रश की स्थिति कम है।